डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजीनेट प्रो पे। दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास थर्ड, इस क्लास में हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व करें और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इस क्लास में हम करीब 10 टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि पहले हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में 2012 से लेके 2023 तक यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमारी अल्फाबेटिकल रीजनिंग इंक्लूड होती है ज़्यादातर, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए ए टू जेड तक। और हमने पीछे एक क्लास ली थी अल्फाबेटिकल रीजनिंग की, उसमें ए टू जेड तक किस तरह से हमें अल्फ़ाबेट याद रखने हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो अभी हम अपनी जो क्लास उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो कई तरह के होते हैं, तो उसको कई जो टाइप है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है उसमें ये होता है कि एक भाषा के अंदर सी को 3 लिखा जाता है, पियर को 30 लिखा जाता है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए ये जैसे सी है, सी को 3 लिखा है और फियर को ये 30 लिखते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। C3 का मतलब क्या है, ए बी सी डी में जो C है कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अब फियर है, फियर के अंदर जो हर एक अल्फाबेट है उसको हम देखते हैं कितने पे आता है। F कितने पे, 6 पे, E कितने पे, 5 पे, A कितने पे, 1 पे, R कितने पे, 18 पे। अब इन सभी को आप ऐड करके देखिए, ऐड करने पे हमारा कितना बनता है, इसके अंदर ये बनता है 6, 5 और 1 6, 6 2 12 और 18 ये 30 बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से हेयर को हम क्या लिखेंगे, तो हेयर में देख लीजिए एच कितने पे आता है हमारा, 8 नंबर पे आता है, ए कितने पे, 1 पे, आई कितने पे, 9 पे, और आर कितने पे, 18 पे। अब इन सभी को आप प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कितना होगा, 36 आ जाएगा। तो दोस्तों एक हमारा टाइप इस तरह का आता है, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अल्फाबेट कितने नंबर पे है और उनको आप ऐड कर लीजिए, और आपको देखना थोड़ा ज़रूरी है कि क्या उसके अंदर पैटर्न वही बन रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों टाइप टू की। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जी एल ए आर ई को 67810 के रूप में लिखा जाता है और मानसून को 2395339 के रूप में लिखा जाता है, तो रैंडम रैंसम को किस तरह से लिखा जाएगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें दो टाइप होंगे, अलग अलग टाइप होंगे। सबसे पहले ये टाइप करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हमने ये शब्द लिख लिए, ये देखिए जी एल ए आर यहाँ पे ये लिख लिया और मानसून लिख लिया। अब इनमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये देखिए जी एल ए आर ई ये वर्ड लिखा और इसके नीचे जो हमारी काउंटिंग वहाँ पे दी हुई है, डिजिट्स दी हुई है, वो उनके नीचे लिख लीजिए। इसी तरह से मानसून में यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये देखिए रैंसम जो लिखा हुआ है
इसमें जो भी हमारे अल्फाबेट दिए हुए हैं क्या वो अल्फाबेट इन दोनों में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना जरूरी है। जैसे R, R इसमें है ये रहा हमारा, A किसमें A इसमें रहा, N किसमें N ये रहा, S किसमें S ये रहा, O किसमें O इसमें, और M किसमें M हमारा इसमें। अब ये देखिए रैंसम के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है वो सारे के सारे हमें ऊपर मिल गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो ये नाम दिया हुआ है, ये अल्फाबेट दिए हुए हैं, ये ऊपर जो अल्फाबेट दिए उनमें मिलते नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा भाई इसमें क्या मतलब क्या पैटर्न इसमें लगेगा, तो उस समय हमें कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। बट यहाँ पे हमें सारे के सारे जो अल्फाबेट है वो ऊपर मिल गए हैं। अब देखिए आर, आर देखिए आर को इन्होंने किस में लिखा है, एक में लिखा है तो एक आ जाएगा। ए देखिए ए कहाँ पे, ए ए को इसने आठ लिखा है तो आठ लिख देंगे। एन, एन को इन्होंने नाइन लिखा है, नाइन लिख देंगे। एस फाइव पे फाइव लिख देंगे। ओ थ्री पे है और एम कितने पे है, टू पे है। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, 189532 हमारा कोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब टाइप थ्री की हम बात करते हैं। ये देखिए ये भी कुछ कुछ ऊपर जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है हमें। अभी देखिए पिक पिक विक निक, इसका अर्थ इन्होंने दे दिया शीतल ठंडा है, शीतकाल ठंडा है। अब देखिए इन्होंने जो पिक विक निक है शीतकाल ठंडा है ये दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिक का मतलब शीतकाल है, विक का मतलब ठंडा और निक का मतलब है, ये नहीं है। इन्होंने रैंडमली दिया है, समझ गए। पिक विक निक जो है इसका रैंडमली अर्थ क्या है, शीतकाल ठंडा है। अब है जो है वो पिक भी हो सकता है, विक भी हो सकता है, निक भी हो सकता है, शीतकाल हमारा निक भी हो सकता है, विक भी, पिक भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से टू निक रे का अर्थ है ग्रीष्म काल गर्म है, और रे थो पा का अर्थ है रातें गर्म है। तो ग्रीष्म काल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे ये पूछ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे एग्जाम में, और यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ये देखो ये किसकी पूछ रहा है, ग्रीष्म काल की पूछ रहा है। पिक विक निक हमने यहाँ पे लिख लिया और टू निक रे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा शब्द कौन से शब्द के लिए यूज हो रहा है, ये हमें नहीं पता। अब देखिए पिक विक निक इसमें नंबर वन में और नंबर टू में कॉमन क्या है, कॉमन चीज देखो निक एनआईसी निक है इसमें और इसमें, इन दोनों में है, और इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, है और है, ठीक है, ये दोनों चीजें कॉमन है। पिक विक निक, ठीक है, टू निक रे। अब देखिए पिक और विक ये तो अलग है और टू और रे ये भी अलग है, तो कॉमन क्या है इसके अंदर, निक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एनआईसी निक का मतलब क्या है, ठीक है, निक क्या हो गया हमारा है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले टू और थ्री में देखते हैं, टू निक रे और रे हो पा। अब देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, रे कॉमन है, रे। अब इस इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो ग्रीष्म काल गर्म है रातें गर्म है, इसमें दो चीजें कॉमन है, एक तो गर्म और एक है, ये देखो गर्म है ये दोनों के अंदर है। अब है का तो हमने निकाल लिया, है का तो क्या है निक हो जाएगा ये, ठीक है, एन आई सी निक हो गया है ना। और अब देखिए यहाँ पे गर्म है तो रे का क्या हो जाएगा हमारा, गर्म हो जाएगा, रे क्या है हमारा, गर्म हो गया ये, ठीक है। देखिए गर्म के लिए तो रे हो गया और है के लिए निक हो गया, और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, टू बच गया है ना, ये बच गया हमारे पास टू। और इसने ये पूछा था कि ग्रीष्म काल का मतलब क्या है, तो ग्रीष्म काल का मतलब क्या हो गया, टू हमारा यहाँ पे मतलब हो गया, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए टू ही ग्रीष्म काल का कूट शब्द होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दे के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी भाषा में चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू शब्दों के रूप में किसे पाला जाएगा। अब ये देखिए अब इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, चूहे के सामने कुत्ता लिख लीजिए, कुत्ते के सामने नेवला,
और नेवला, शेर, शेर, सांप, सांप, हाथी, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पालतू पशु के रूप में कुत्ते को पाला जाता है और कूट भाषा में कुत्ते को नेवला माना गया है। अब देखिए, अब इसने कहा था ना कि पालतू पशु के रूप में किसको पाला जाएगा। अब देखिए, चूहे को हम नहीं पाल सकते, नेवले को नहीं पाल सकते, शेर को, सांप को नहीं पाल सकते, कुत्ते को हम पालते हैं। और कुत्ते को क्या कहा गया यहाँ पे, नेवला कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, आगे हम करते हैं दोस्तों। यदि 1986 को ऐसे लिखा जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी एग्जाम दे गया था तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए, इसको ऐसी ऐसी आकृति में लिखा जाता है, 2, 3, 4, 5 को ऐसी आकृति में लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा वो हमें देखना। सिंपल वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था, है ना, दो क्वेश्चन छोड़ के ऊपर किया था। 1986 है, इसके नीचे जो जो आकृति दी हुई है ये लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 के नीचे ये आकृति लिख लीजिए। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो आकृति है हमारी, ये जो आकृति, इसका मतलब क्या है, इन आकृति का क्या मतलब है, ये फाइंड आउट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये देखिए ट्रायंगल का मतलब 8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में ये है इस तरह से एरो है, इसका मतलब क्या है, 6 है। तो इस तरह से दोस्तों आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी आकृति का, कौन सी फिगर का क्या नंबर बन रहा है हमारा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम टू सेम, ये वही चीज़ है जो हम पीछे करके आए हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि GOLD गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है, तो विंड को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब ये देखो जी, अब ये देखिए, गोल्ड को IQNF लिखा जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या हमारा पैटर्न बन रहा है। अब देखिए, हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जी कितने नंबर पे, 7 पे, आई कितने पे है, आई कितने पे है हमारा, 9 पे है, ठीक है। ओ कितने पे है, MNO, मैंने बताया था आपको, M 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, ठीक है। और ये कितने पे है, 17 पे। L कितने पे है, बताया था ना, 12 पे। N कितने पे है, 14 पे। D कितने पे है हमारा, 4 पे। और F कितने पे है हमारा, 6 पे। तो अब देखिए, इनमें डिफरेंसेस कितने का है, 2 का 2 का 2 का 2 का, यानी कि +2 हमने इन सभी में किया है। तो अब विंड को हम क्या लिखेंगे, विंड में +2 ऐड कर दीजिए, 23 है ये, 23 है, ठीक है। आई कितने पे, 9 पे। एन कितने पे, 14 पे। और डी कितने पे, 4 पे। अब इनके अंदर +2 कर दीजिए, 2 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे आए क्या आएगा हमारा, वाई आएगा। 9 + 2 = 11, 11 मतलब 11 हो जाएगा। 14 + 2 = 16, 16 पे आएगा हमारा पी आएगा, ठीक है। और फिर D + 2 कितना होगा, 6, और 6 पे क्या आएगा हमारा, F आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेम फिर ये वही आ गया जो आकृति वाला हमने किया था ना ऊपर, वही क्वेश्चन यहाँ पे। ओवर को ऐसे लिखा जाता है, तो विस्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो श्योर को कैसे लिखा जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है ये। और उसके बाद भी हम बात करें दोस्तों, जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि जी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। विपरीत अक्षर याद करने के लिए दोनों अक्षरों का योग 27 होना चाहिए, वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए, हमें यह पूछ लिया जाए, जैसे जी का विपरीत अक्षर क्या होगा, 27 इनका जोड़ होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 27 माइनस में 9 कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। और 18 पे क्या आता है हमारा, आर आता है, आर आता है, या है ना, आर आता है, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे शायद गलत हो गई, टी नहीं हो, ये गलत है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। इन्होंने जी को 9 लिखा है, जी को इन्होंने 9 लिखा है, और तो वैसे कितने पे होता है, 7 पे होता है, 2 प्लस करके इन्होंने दिए हैं, +2 किए हैं। तो इसी तरह से 18 में आप 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 20 होगा। अब सिंपल सा तरीका यही है कि हमें ये पूछ लिया, जैसे मान ले डी का उल्टा क्या होगा। अब जैसे सिंपल सी बात है, ए का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा क्या होता है, अल्फाबेटिकल रीजनिंग,
जेड होता है, ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, वी बी के अपोजिट क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये वाई होता है। अब इन दोनों का जोड़ देखिए कितना होगा, एक नंबर पे ये एक है और ये 26 है, कितना जोड़ हो गया 27 हो गया, ये कितने नंबर पे दो पे है और y कितने पे है 25 पे, इन दोनों का जोड़ कितना है 27 है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका तरीका एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये पूछ ले कोई कि जैसे मान के चले हमारा वो पूछ ले भाई m जो है, नहीं m नहीं, हम लेके चलते हैं p लेके चलते हैं, ठीक है, p का उल्टा क्या होगा, वो हमसे ये पूछ ले p का उल्टा क्या होगा, तो p कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है। और उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 होगा हमारा, और 11 नंबर पे क्या होता है हमारा, k होता है, तो p का उल्टा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जी। दोस्तों अगर आपको UGCNET पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। तो ये 9 टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आए और ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आए हैं। और अभी देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो एग्जाम में UGCNET आया हुआ है। देखिए मोहन को हम KMFYL लिखते हैं तो काउंट को हम क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप मत देखो, यहाँ मत देखो, मैंने आपको क्या दो तरीके बताए थे। नंबर एक तरीका तो ये है कि काउंट जो है इसके जो अल्फाबेट है इन दोनों में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये देखो आप मिल रहे हैं, ये देखो सी है कहीं पे, नहीं है, ओ है, ओ तो है भाई, यू है, यू नहीं है, एन है, एन तो है लेकिन टी नहीं है, आधे अधूरे अक्षर मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इसका जो पैटर्न है वो कुछ और देखना पड़ेगा। और क्या पैटर्न, इसमें वो डायरेक्ट जो मैचिंग करते हैं वो नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे हमने मोहन लिख लिया और यहाँ पे KMFYL लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके अंदर काउंटिंग लिख लेंगे हम, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप काउंटिंग लिख लिया करो। M कितने पे आएगा, 13 नंबर पे, K कितने पे आएगा, 11 पे। अब इनमें कितने माइनस दो का फर्क आ गया ना, ये देखो माइनस दो। अब देखिए O कितने पे हमारा, 15 नंबर पे, M कितने पे है, 13 नंबर पे, ये भी माइनस दो हो रहा है, यानी कि माइनस टू 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 करते हुए जा रहे हैं। ये जो डिजिट है हमारी, ये सॉरी ये जो नाम है इसमें माइनस टू टू करते जाओ आप और आपकी जो है डिकोडिंग हो जाएगी। अब देखिए काउंट है, काउंट को आप लिख लीजिए सी ओ यू। अब देखिए सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ठीक है, ओ कितने पे है, 15 पे है, और वी कितने पे है, टी यू 21 पे है। अब माइनस दो कर लीजिए, माइनस दो करेंगे तो कितना रह गया, ए एक रह गया, ए आ गया हमारा, 15 में से दो गए 13, 13 एम पे आ गया, और 21 में से दो गए 19, 19 किस 19 पे क्या होता है, क्या होता है, 18 पे क्या होता है, आर 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 एस एस हो गया हमारा, ठीक है, देखिए ए एम एस। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे करना चाहे तो कर सकते हैं, सेम टू सेम यही चीज़ इसके अंदर। देखिए एच बी एम जे सी को गालिब लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे हम, तो इसमें आप काउंटिंग लिख लीजिए सभी की और उसमें देखिए क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको कर करके देखने हैं। अब ये देखिए वो ऊपर क्या था ना, शीतल गर्म होता है, ग्रीष्म कालीन गर्म होता है, वो हमने क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। 645 का अर्थ है गर्म दिन है, 42 का अर्थ है गर्म बसंत है, 623 का अर्थ है बसंत धूपमयी है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक धूपमयी को प्रदर्शित करता है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और ये हमारा 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कोवलेंट को बी डब्ल्यू पी डी यू ओ एफ एम लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए
कोवलेंट है, कोवलेंट को ऐसे लिखते हैं। अब ये देखिए, सी से एक बढ़ा के डी लिख दिया, ठीक है, और ए से बढ़ा के एक बी यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक एनटीए को 14 लिखते हैं, एनटीए 15 पांच अंकों वाली ऐसी संख्या जिसका योग ये है, तो एनटीए का मान क्या हो। अब देखिए ये कह रहा है कि एनटीए 14 और एनटीए 15, ये देखिए एनटीए 14 और एनटीए 15 इसका टोटल जोड़ क्या है हमारा 15 72 29, ये इसका जोड़ है। तो हमें बताना है कि एनटीए का योग क्या होगा टोटल। ये भी आपका थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल आसान है, ये देखिए यहाँ पे ये इन दोनों का जोड़ की तरह, ये देखिए ठीक है, 14 प्लस में 15 29 हो गया ये हमारा, है ना। तो इसको तो आप भूल जाइए, एक बार 29 को तो काट दीजिए, ये तो हमें पता ही चल गया। अब देखिए एनटीए प्लस एनटीए का मतलब क्या है, 1572। अब ये देखिए दो एनटीए का मतलब ये है 2 NTA इतना, और ये जो दो है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा इसको तो 786 रह जाएगा हमारा। अब देखिए 786, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा N7 पे, T8 पे और A जो है वो 6 पे, ये हो गया। और अब इसको आप प्लस कर लीजिए, तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है भाई, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए जैसे रेड की कोट भाषा, रेड को 6720 के रूप में लिखा जाता है, तो ग्रीन को कैसे लिखेंगे। अब देखिए रेड का मतलब क्या है, 6720 है। अब देखिए रेड आर कितने पे, 18 नंबर पे, 18 में 2 ऐड कर दीजिए 20 हो गया। ई कितने पे, 5 नंबर पे है, 5 में से 2 ऐड कर दीजिए 7 हो गया। डी कितने पे, 4 पे, 4 में से 2 ऐड कर दीजिए 6 हो गया। हमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या पैटर्न हमारा बन रहा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2023 में क्वेश्चन आया है एक, वो देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 2023 में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ। ये देखिए इफ ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चैप्टर इज कोडेड एज, अब देखिए ये कह रहा है कि चैप्टर को हम ई जे जी सी वी जी टी लिखते हैं, तो हम पी आर ई ए सी परचेजर को क्या लिखेंगे। तो इसके अंदर बिल्कुल वही है दोस्तों, ये देखिए सी सी एच ए सी एच ई ए टी ई आर, ठीक है, इसकी काउंटिंग लिख लीजिए, सी 3 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, इस तरह से लिख लिया। और इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया ई जे जी सी। अब देखो अब इनके अंदर आप वो देखिए अब डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, सी और ई में ये देखिए 3 और 5 प्लस 2 हो रहा है, एच 8 पे, जे 10 पे, 8 और 10 2 का, 5 और 7 2 का, 1 और 3 2 का, यानी कि प्लस 2 होता हुआ जा रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी आर ई ए सी एच ई आर, अब इसकी काउंटिंग लिख लेना आप और उसमें प्लस 2 करते जाना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, और हमने इतने पैटर्न्स किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका इन्हीं में से क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में। और दोस्तों देखिए आपको ये देखने में आसान लग रही है चीज़ें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऐप निमिज नेट ज़रूर डाउनलोड करना, और उस ऐप के अंदर क्या है कि आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर 2012 से 23 तक मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के अलग मिलेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अलग मिलेंगे, परसेंटेज के अलग मिलेंगे। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पेपर सेकेंड के स्टडी नोट्स और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट nimiz.net जरूर विजिट करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय।
दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।